A 19-year-old student of Delhi's Gargi College, she became an instant celebrity in the world of combat sports in India after winning silver medal in Kurash in recently concluded Asian Games in Jakarta. And one of India's most promising judokas, Pinky, now aims to win gold in Olympics. She's also a two-time national silver medalist, and in this year's Junior Asian Championships, she won a gold medal in the women's 52 kg category. I'd like to call this absolutely amazing athlete, and you should see what she's done before I call her on stage. आपने जूडो कैसे शुरू करा? आपको क्यों अच्छा लगता है जूडो और कुराश? जो कि मेरे मामा है वो मेरे कोच है समुंदर टोकस, तो वो मेरे नाना के नाम से टूर्नामेंट वगैरह कराते थे, तो मैं शुरू से बहुत लड़ाकू और जिद्दी हूँ तो मेरा लड़ाई में बहुत इंटरेस्ट रहता है। मैं ये नहीं देखती कि वो लड़का है या लड़की है, और जैसे कि हमारे इंडिया में सोचा जाता है कि लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़कियां नहीं होती, मेरा ये मानना है कि लड़कियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनमें विल पावर होती है, पेशेंस होते हैं जो कि लड़कों में नहीं होते, और लड़कियां ऐसी चीज़ है जो अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है। शादी के बाद लड़का भूल जाता है अपने माँ बाप को, लेकिन लड़कियाँ तब भी सोचती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे सुशील कुमार को जानते हैं कि ये सुशील कुमार जा रहा है, तो मेरे को बताना ना पड़े कि मैं पिंकी बलारा हूँ या क्या गेम करती हूँ, दुनिया ये कहे पिंकी बलारा जा रही है। एब्सोल्युटली हार्ट वार्मिंग, थैंक यू सो मच।